हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू चैनल सो नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 142 यहां पे है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है काइनेटिक एनर्जी जब भी किसी ऑब्जेक्ट में किसी बॉडी में मोशन होगा तो वहां पे उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ठीक है सो मोशन से आती है काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मुला हम पढ़ के आए थे काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर रिमेंबर इसका पूरा डेरिवेशन भी किया था हमने सो दिस इज दमूला फॉर काइनेटिक एनर्जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड सो वेलोसिटी हमें गिवन है फाइव मीटर पर सेकेंड इज ट्वेंटी फाइव जोल सो वर्क डन भी दे रखा है सॉरी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी है ट्वेंटी फाइव उसके बाद है वॉट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी वेन इट्स विलोसिटी इज डबल सो so, अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर दे तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज थ्री टाइम्स अगर उसको थ्री टाइम्स कर देंगे तो क्या होगी तो पहली बात तो अगर हम यहाँ पे ही देखें तो हमें अभी ऑब्जेक्ट का बॉडी का मास नहीं पता तो पहली जो हमें चीज दे रखी है उससे मास निकाल लेते हैं अभी देख के आए हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ मास इंटू विलोसिटी का स्क्वायर सो काइनेटिक एनर्जी हो गया ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू हाफ मास हमें निकालना है वेलोसिटी है फाइव इसका स्क्वायर सो ये हो गया जी ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू हाफ एम इन टू यहाँ पे आ गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो ये हो गया ट्वेंटी अपॉइंट ट्वेंटी फाइव ये तो वन आ जाएगा ये हो गया वन अपॉइंट टू एम सो so, यहाँ पे कैंसिल होकर वन आ गया टू यहाँ पे डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा सो दैट मीन एम इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा टू सो so, हमारे पास मास आ गया टू के अब देखो आप कुछ भी चेंज करोगे ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा वो तो नहीं बदलेगा अगर दो किलो की कोई चीज है तो वो दो किलो की ही रहेगी करेक्ट सो so, अब जो हमें चीजें दे रखी थी वो करके देखते हैं जैसे पहले हमें सबसे पहली चीज बोली थी कि अगर विलोसिटी डबल होगी सो यहाँ पे लिख लेते हैं डबल अगर हम डबल करेंगे तो अभी वेलोसिटी कितनी है फाइव डबल कर दोगे सो क्या हो जाएगी फाइव इंटू टू कर देंगे सो दैट विल बी टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है डबल कर दी ना हमने सो अगर टेन मीटर पर सेकेंड है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सो लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है हाफ एम इन टू वी का स्क्वायर सो हाफ एज इट इज भाई मास हमें पता है टू आया है इन टू वी अभी टेन हो गया है तो इसका स्क्वायर टू से टू तो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा टेन का स्क्वायर हंड्रेड सो अगर हम डबल कर देंगे वेलोसिटी को तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हंड्रेड इसी तरीके से अगर हम इसको थ्री टाइम्स कर देंगे एक और चीज पूछिए ना उन्होंने कि अगर थ्री टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा तो थ्री टाइम्स मतलब वेलोसिटी अभी है अच्छा ये ध्यान टेन का थ्री टाइम्स नहीं करना जो बेसिक हमें दे रखी है वेलोसिटी जो फाइव दे रखी है इसका थ्री टाइम करना है फाइव ज़ा फिफ्टीन सो तो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड अगर ये वेलोसिटी हो जाती है तो क्या होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर सो ये हो गया जी हाफ अगेन मास तो हमारा टू है वेलोसिटी अब हो गई फिफ्टीन मतलब फिफ्टीन का स्क्वायर टू से टू कैंसिल फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव बाद में लिख देंगे जियोस यहाँ पे भी नहीं लिखा सो दैट मीन्स अगर थ्री टाइम्स कर देंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो हो जाएगी टू ट्वेंटी फाइव जो समझ में आया पहले हमने अपना जो हमें दो चीजें दे रखी थी उससे मास निकाल लिया एंड उसके बाद वेलोसिटी को डबल करके देख लिया हमने वेलोसिटी को ट्रिपल करके देख लिया और हमारे पास ये आंसर्स आए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सॉरी सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर वन पे है क्वेश्चन है वॉट इज पावर सो पावर क्यों कैसे डिफाइन करते हैं पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किसी चीज में कितनी पावर है कैसे जज करते हैं कि कोई काम करने में कितना टाइम लगा तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था ना वर्क अपॉन टाइम होता है करेक्ट सो दिस इज वॉट पावर इज नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन ऑफ पावर वन वॉट ऑफ पावर कैसे डिफाइन करते हैं अ वर्क ऑफ वन जियल इज डन इन वन सेकेंड वन जियल का वर्क किया गया है वन सेकेंड में द पावर इज सेट टू बी वन वॉट ठीक है जैसे हमने किया था ना वो वन जियल वर्क डिफाइन करो वैसा ही है चलो थर्ड क्वेश्चन लैम कंज्यूम कंज्यूम थाउजेंड जियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टेन सेकेंड वॉट इज इट्स पावर सो हमें यहाँ पावर निकालनी है अभी मैं आपको बता के आई हूं जी पावर का हमारा फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन मे टाइम ठीक है अब आप आपके दिमाग में आएगा कि वो तो ठीक है ये हंड्रेड जियोल तो लेकिन हमें बताया है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करिए तो हमने जब नोट्स करे थे चैप्टर समझा था तो उसमें हमने देखा था कि एक्चुअल में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उतना वर्क करा जा रहा है तो इन दैट केस हमारा एनर्जी वर्क के इक्वली होता है तो दैट मीन्स ये सिंपली हो जाएगा वन थाउजेंड जल्स अपॉन में टेन सेकेंड्स तो ये कैंसिल करेंगे जे लिखने की जरूरत नहीं थी तो ये हमारे पास आ गया ठीक ठीक है? है पूछा था, so, होगी। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक इन बिटवीन का सो डिफाइन एवरेज पावर अगर आपको एवरेज पावर डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे वेन अ मशीन और पर्सन डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क और यूजेज एनर्जी इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम द रेशियो बिटवीन द टोटल वर्क और एनर्जी कंज्यूम टू द टोटल टाइम इज एवरेज पावर अब एक कोई बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जो कि या कोई मशीन है अलग अलग अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है अलग अलग इंटरवल पे तो उसका हम पूरा एवरेज निकाल देंगे कि हाँ भैया इतना काम किया गया प्लस 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 अपॉन में इतना इतना टाइम लिया है तो दैट इज एवरेज सिंपल मैथ्स में हम करते हैं ना एवरेज क्या निकालते हैं तो यहाँ पे भी वही चीज़ है ठीक है जी सो so ये होगी हमारी एवरेज पावर ऑल्सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन तो इसके साथ हमारे इन बिटवीन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं नाउ आई सी यू विद दी बैक एक्सरसाइज बैक बैकसाइज में काफी सारे क्वेश्चन है तो फटाफट फड़ से आ जाएंगे अपनी बैक एक्सरसाइज पे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो बट बिफोर दैट इफ यू एवन सब्सक्राइब दी चैनल एयर प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल बाय फॉर नाउ